Under the course of trends and issues in early childhood education, now we are going to discuss how ECD programs are a great equalizer for our children. So, increase of developmental disparities between the children who receive care and the others who do not. So, where there are uh, ECD programs, uh, students get education before they enter a proper school. सो इट लेसेंस द डिस्पार्टीज बिटवीन दैम जो इख्तलाफात उनके शुरू में होते हैं ये प्रोग्राम उन इख्तलाफात को ख़त्म करने में बहुत मदद देते हैं ई सी डी प्रोग्रामिंग इफेक्ट्स डिसएडवांटेज ग्रुप मोर और बहुत सी रिसर्च और हमारे जो ऑथर्स uh, हैं साइकोलॉजी के जब उस पर एक्सपैरिमेंटल स्टडी की गई कि वही अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन जब हम उन ग्रुप्स को देते हैं जो वेल एडवांटेज हैं जो प्रिविलेज ग्रुप्स हैं उनके मुकाबले में जब ऐसे बच्चों को ये प्री एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया ई प्रोग्राम दिया गया जिसमें के बच्चे जो थे वो आउट ऑफ स्कूल थे उनको पहली दफ़ा मौका मिला या वो डिसवान्टज़ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे तो उन बच्चों को हैरत अंगेज़ तौर पर दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं डिस्पैरिटीज़ ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप्स में बच्चों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे अगर हम ई के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करेंगे तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है अब देखिए अगली बात यह है कि जो ये प्रोग्राम्स चूँकि ये कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम हैं ये आप समझते हैं कि इसमें आपकी अवेयरनेस कैंपेन भी शामिल है बच्चों को फैसिलिटीज़ देना भी शामिल हैं उनकी तमाम कोग्नेटिव सोशल इमोशनल नीड्स को भी पूरा किया जाता है तो अब होता यह है कि बच्चों की जब होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है तो वो सिर्फ उन अकेलों की नहीं होती उनके साथ साथ जो केयर गिवर्स खानदान एजुकेटर्स चल रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता है सो गैप्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अर्ली चाइल्ड हुड आर मिटिगेटेड मुझे शुरू से एक पौधा पनप रहा होता है फ़र्क का और तफरके का वो शुरू से ही ख़त्म किया जा सकता है जब आप पहले दिन ही बच्चों को इकट्ठा बिठाएंगे उनके राइट्स का ख्याल रखेंगे उनको एक जैसी ट्रीटमेंट देंगे एक जैसी तालीम देंगे एक जैसे मौाक़ देंगे उनके इंटरेस्ट को केटर करेंगे तो वो जो लड़कों और लड़कियों का ये फ़र्क है कि फ़लाँ को ज़्यादा प्यार या मोहब्बत दी जाती है और फ़लाँ को कम दी जाती है या फ़लाँ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और बच्चियों को नहीं मिलती या बच्चों को नहीं मिलती ये फ़र्क पहले दिन से ही मिट जाता है तो ये सब हम ई ई प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं तो जो हमारी डिफरेंट स्टडीज़ हैं रिसर्चेज़ हैं वो ये बताती हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाद की उम्र में जाके ख़त्म करना मुश्किल हैं उनको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ज़रिए बहुत हद तक मिटा सकते हैं सो so, अब बहुत सी ऐसी रिसर्च हुई जैसे मैंने आपको बताया साउथ एशियन कंट्रीज़ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ पे हाँ के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रिसर्च हुई हैं उनमें हमें ये पता चलता है कि जिन बच्चों को हमने अर्ली चाइल्ड हुड प्रोग्राम्स से मुस्तफीद किया वो बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले में तालीम में आगे गए मसलन हमारे पास एग्जाम्पल है ब्राज़ील की इन ब्राज़ील गर्ल्स फ्राम लो इनकम फैमिलीज़ हु कम्यूनिटी बेस्ड प्री स्कूल प्रोग्राम्स आर ट्वाइस एज़ लाइकली टू रीच ग्रेड फाइव यानि जो बच्चे पहले पाँचवीं क्लास से पहले ड्रॉप आउट कर जाते थे अब ये बच्चियाँ जब इनको अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम में रखा गया और इनकी शुरू से ही तरबियत की गई तो ये दो गुना ज़्यादा पाँचवें ग्रेड में गई और फिर इसी तरह उनकी आठवें ग्रेड में जाने की सलाहियत भी बढ़ गई तो देखिए तालीम की तरफ और उनके मुख्तफ़रिया को कैटर करने की जब कोशिश की जाती है तो बच्चे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमने ये देखा जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूनिसेफ की जो 2012 की रिसर्च थी उसमें उन्होंने बहुत से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे काम किया और देखा कि जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोग्राम्स में आते हैं वो एक तो बेहतर परफॉर्म करते हैं आने वाली एजुकेशन में उनकी सस्टेनेंस यानी वो ज़्यादा देर तक उस एजुकेशन में रहते हैं बाकी बच्चों का ड्रॉप आउट ज़्यादा है और दूसरा ये कि इनकी जो सराउंडिंग्स हैं जो एनवायरमेंट हैं वहाँ पे भी चेंजेस देखे गए यानी उनके घर में उनकी कम्युनिटी में भी चेंजेस देखे गए तो बहुत से ऐसे कंसर्न्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के ज़रिए ख़त्म किए जा सकते हैं